वड़ा पाव बनाने के लिए वड़ा और पाव तो जरूरी है ही, पर उससे भी ज्यादा जरूरी है वो सूखी वाली लाल रंग की चटनी। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वड़ा पाव की सूखी वाली लाल रंग की लहसुन की चटनी। तो शुरू करें। तो ये सूखी वाली चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ें ड्राई रोस्ट कर लूँगी। तो उसी के लिए मैंने यहाँ पर 1/4 कप जितने ये मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें हल्का हल्का सा रोस्ट कर लेते पहले। ध्यान रखिएगा इन्हें कॉन्स्टेंट चलाते रहिएगा और उसी के साथ हमें ड्राई रोस्ट करना है। अभी हमें ऑयल वगैरह यूज़ नहीं करना है यहाँ पर। तो मूंगफली यहाँ पर बहुत ही अच्छे से रोस्ट हो गई है, तो इससे मैं एक बार कढ़ाई से बाहर निकाल लेती हूँ। उसी के साथ ठंडा होते ही इसके छिलके भी हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने फिर से वही वाली कढ़ाई ले ली है और उसी के साथ 1/4 कप जितने मैं यहाँ पर ये सूखा नारियल जो होता है उसके मैंने कुछ इस तरह से चिप्स कट कर लिए हैं, उन्हें भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। इन्हें ध्यान रखिएगा इसे रोस्ट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। नारियल के ये जो चिप्स है वो भी रोस्ट हो गए हैं, इसे भी एक बार पैन से बाहर निकाल लेते हैं। उसी के साथ मैं यहाँ पर करीब 8 से 10 जितनी सूखी लाल मिर्च है वो ले रही हूँ और इन्हें भी रोस्ट कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा ये सारी चीज़ें रोस्ट करते वक्त जो गैस की फ्लेम है वो हमें स्लो रखनी है। तो लाल मिर्च है वो भी यहाँ पर अच्छे से रोस्ट हो गई है, इन्हें भी एक बार बाहर निकाल लेते हैं हम। तो यहाँ पर मैंने लगभग सारी चीज़ें रोस्ट कर ली है और अब बारी आती है लहसुन को रोस्ट करने की। उसे रोस्ट करने के लिए मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून जितना ऑयल ले रही हूँ और अब इस ऑयल के अंदर हम डाल देंगे 15 से 20 जितने ये लहसुन की सूखी कलियाँ। तो लहसुन की ये जो कलियाँ है उसके मैंने छिलके बिल्कुल नहीं निकाले हैं, इसे छिलकों के साथ ही हम सेकेंगे। और ऑयल में सेकने का रीज़न बस एक ही है कि ऑयल में जब हम इन्हें हल्का हल्का सा रोस्ट करेंगे तो इसके ऊपर एक हल्की सी ब्राउन सी लेयर आ जाती है और जिसकी वजह से जो ये चटनी है उसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो इसे हम हल्का हल्का सा ऑयल के अंदर रोस्ट कर लेते हैं। तो लहसुन भी यहाँ पर अच्छे से भून गया है और इसके ऊपर हल्की हल्की सी गोल्डन सी लेयर आ गई है, तो बस इसी वजह से ये जो लहसुन जब पीसा जाएगा तो इसका कच्चापन भी नहीं रहेगा और इसका फ्लेवर और भी बढ़ जाएगा। तो इसे मैं इसी वजह से चटनी में डालने से पहले हल्का सा ऑयल में भूनती हूँ। तो आइए जल्दी से इन सारी चीज़ों को एक बार ठंडा हो जाने देते हैं पहले। तो लहसुन की ये सूखी वाली चटनी तैयार करने के लिए मैंने सारी चीज़ों को लगभग यहाँ पर रोस्ट कर लिया है, तो आइए सबसे पहले हम इसे एक बार पीस लेते हैं। और मैं आपको बता रही हूँ ये जो हम लहसुन यूज़ कर रहे हैं ना इसको हम छिलके के साथ ही यूज़ करेंगे, इसका छिलका बिल्कुल नहीं निकालना है। अगर ये छिलका आपकी चटनी में आता है, आपके जब मुंह में आता है तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। इसी की वजह से वड़ा पाव जो है या फिर जो सैंडविच हमारी बनती है या आप और कोई भी चीज़ में यूज़ करते हो तो और भी ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आइए जल्दी से हम पहले इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्सी से पीस के निकाल लेते हैं। चटनी बनकर रेडी हो गई है हमारी, वो बिल्कुल ही बाजार जैसी चटनी बनी है ये लाल सूखी वाली लहसुन की चटनी, जैसे कि हम वड़ा पाव में, सैंडविच में या फिर कभी कभार डोसे के ऊपर भी इसे स्प्रिंकल किया हुआ होता है। तो इस तरह की चटनी बहुत ही टेस्टी लगती है, यहाँ तक कि पराठे के ऊपर आप लगा लीजिए, पराठे के अंदर डालकर फिर पराठे बेल कर सेके तो भी बहुत टेस्टी लगती है चटनी। तो आइए जल्दी से इसे प्लेट आउट कर लेते हैं हम। तो लीजिए रेडी है हमारी लहसुन की ये सूखी वाली लाल चटनी। तो लीजिए रेडी है हमारी ये सूखी वाली लहसुन की लाल चटनी, जिसे हम वड़ा पाव तैयार कर सकते हैं, सैंडविच कर सकते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो बनाइए इस वाली चटनी को और स्टोर कर लीजिए, कम से कम आप 1.5-2 महीने तक आराम से इसे स्टोर कर सकते हैं। इसके अंदर कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है कि जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो इसे तैयार करके बस आप कांच की बर्नी के अंदर इसे फ्रिज के अंदर रखिएगा, जिससे आपकी जो ये चटनी है आराम से 1.5-2 महीने तक चल सकती है। तो बनाइए इसे और एंजॉय ज़रूर कीजिए। Like, share and subscribe my channel.